अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी है। युवाओं के साथ इस विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए तो हंगामा और बढ़ गया। देखिए कि कैसे किसान यूनियन के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जाती है। इस दौरान CISF और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो जाती है। फिर जैसे तैसे इन सबको जमीन पर बिठाया जाता है, लेकिन इस दौरान इन सभी की नारेबाजी जारी रहती है। इस बीच पीछे खड़े DM साहब आगे आते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों ओर है। देखिए कि कैसे DM सुहास हलवाई हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। दरअसल DM साहब हाथ जोड़कर इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं। युवाओं के बाद अब BKU ने भी सेना भर्ती की इस नई स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। इसे लेकर पूरे वेस्ट UP में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में शासन प्रशासन अलर्ट है, कहीं किसानों का ये आंदोलन भी उग्र ना हो जाए, क्योंकि पिछले शुक्रवार युवाओं ने इस योजना के विरोध में जमकर तांडव मचाया था। युवाओं से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि किसी संपत्ति पर कोई हाथ न डाल, शांति प्रिय तरीका से बैठ कर सरकार तो ऐसी छेड़ रही है। ये जो युवा हैं ये किसान के घर से निकल करके जाते हैं, किसी पूंजीपति और उद्योगपति और लाला के घर से कोई आदमी आपको जवान नहीं मिलेगा। जिसके अंदर ये भाव होता है देशभक्ति का, उसको ये 4 साल में करना चाहते हैं। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे भी जाम कर दिया गया था। पुलिस ने जब उनको हटाने की कोशिश की थी तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया था और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।